रिजवान को माफ कर रखा मैंने, बगैर ही कहे माफ कर रखा। जी जी। मैं तो उसको मारो तड़पती हूँ बाबू। जी जी। मैं तो तड़पती हूँ, मेरा तो एक ही बच्चा है, वो एक ही मेरा रिजवान है। अल्लाह सच्चाई दे, अल्लाह सच्चाई। आए हैं मदद करने के लिए, कुछ हमारे दोस्तों ने मदद भेजी थी हमारे अम्मा के लिए। और अम्मा, जितने भी दोस्त हैं पूरी दुनिया में, सबने कहा कि आपका एक बेटा गया है लेकिन 1000 बेटे खड़े हो गया, 1000 खड़े हो गए। अल्लाह ने खड़े करे, अल्लाह बेटे के गम में हो गई मैं। आपके साथ में 1000 बेटे खड़े हो गए हैं, ठीक है ना। बहुत लोगों ने आप कहा कि हम अम्मा से मिलेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आके आपको मदद करेंगे, कुछ दिल्ली से लोग हैं जो आने वाले हैं। तो जैसे जैसे आएंगे इंशाल्लाह मैं उनको लेके आऊंगा आपके पास में, ठीक है ना। आप बेफिक्र रहें। अभी दुकान का कितना सामान आएगा आपका? 10,000 में आ जाएगा। बाबू जी आप क्यों उदास हो रहे हैं? बताइए हैं। देखो आप कुरान पढ़ रहे थे ना उस दिन, आप कुरान पढ़ रहे थे और कौन सी आयत पढ़ रहे थे आप? सूरह बकर पढ़ रहे थे। आपकी सूरह बकर खत्म नहीं हुई, आपकी सूरह बकर खत्म होने से पहले अल्लाह ने तुम्हारे पास मदद भेज दी। हाँ, मानते हो इस बात को? आपकी कुरान शरीफ की सूरह बकर खत्म भी नहीं हुई और दस्तक दे दी किसी ने कि कोई है मेरा चचा, मेरा ये थी ना अम्मा, ये नमाज पढ़ रहे थे और मैं आ गया एकदम, अल्लाह ने भेजी मदद। तो अभी उसी, अभी ये हमारी बहन है, मैं दिखाना चाहूँगा इनकी हालत, ये देख लीजिए किस तरह से बस अपनी मगन रहती है बच्ची अपने उसमें, सोती नहीं रात को और सोती नहीं है, दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्या नाम है बेटा? मेंटल हॉस्पिटल। क्या नाम है? इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब्बा आपका एक बेटा ने 1000 बेटे थे आपके, आपके पास में हम हैं, आपके पास में आपके बेटे नहीं करते तो अल्लाह ने दूसरा जरिया बना दिया, ठीक है ना। खुश हैं आप? खुश हैं। ये रिजवान है आपका? रिजवान नाम है ना आपके बेटे का? रिजवान नाम है ना? हाँ, रिजवान है। रिजवान ही है मेरा, रिजवान। तो रिजवान हूँ मैं आपका, मेरा रिजवान, ठीक है ना। मेरा नाम मुशाहिद नहीं, मेरा नाम रिजवान है, मैं आपका रिजवान हूँ, ठीक है बेटा, ठीक है ना। अल्लाह जैसे जैसे आप चाहते थे आपका बच्चा आपकी मदद करे, इंशाल्लाह मैं मदद करूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह है करने वाला। लेकिन मैं हर महीने इंशाल्लाह जब तक मेरी जिंदगी है हर महीने में आऊंगा और आपको राशन की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा बताओ अम्मा, अम्मी अम्मी को बेटा तुम मेरे रिजवान हो तो अम्मी कहियो बेटा, अम्मी कहो। हाँ ठीक है, मैं अम्मी अम्मी कहूँगा आज से। आज आपसे मेरे 2 माँ बाप हैं, ठीक है। एक मेरे माँ बाप मेरे घर पे हैं और एक मेरे माँ बाप आप हैं। आज से नहीं, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह आप मेरी माँ है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मतलब 20,000, ठीक है ना। ये 20,000 है, ये 20,000 की आपकी मदद आई है, लोगों ने आपकी मदद भेजी है, आप ले लीजिए इन्हें, ठीक है ना। मेरे रिजवान ही तो हूँ मैं आपका, आपका रिजवान ही तो हूँ मैं। आप ले लो या अब्बा को दे दो, ठीक है ना। ये 20,000 रुपये रख लीजिए आप, ठीक है। ये 20,000 रुपये में आप अपनी दुकान का जो भी आप करना चाहती है, क्योंकि आप बेहतर जानते हो। हाँ बेटी, अल्लाह जाए जगह लगवाइए ना जाए, आप बेहतर जानते हो। हमने आपको आपके अमानत दे दी, आप दुकान में खर्च करिए, इसको अपने मकान में खर्च करिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दुकान में आधे पैसे दुकान में लगाइए, आधे पैसे कहीं और लगाइए, क्योंकि दुकान से ही आप करते रहेंगे ना। ये 5000 रुपये मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है। ये 5000 रुपये ये आपके लिए 5000 रुपये मैंने अभी, हमने 20,000 रुपये अपनी माँ को दिए, और जब माँ को दिए तो फिर बाप कैसे रह सकता है। तो 5000 रुपये हमने अपने वाले साहब को भी दिए हैं, तो 25,000 रुपये अभी हमने दिए हैं आपको। तो आप कोशिश करिएगा इस 25,000 से आप अपना कुछ कर लें, है ना। और हमेशा याद रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। मैं आऊँगा, हर महीने आऊँगा, आपकी हालचाल पूछूंगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमारी माँ की मदद की, अम्मी की मदद की हमारी, क्योंकि आज से हम अम्मी बोलेंगे इन्हें। और बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मदद कीजिए लोगों की, अपने आसपास देखिए, आपके आसपास ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनको आपकी ज़रूरत है। आगे आइए, मदद कीजिए, मदद के लिए हाथ बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।